हेलो दोस्तों, माय नेम इज हर्षिल मिश्रा। आप सभी का स्वागत है वागामट क्लासेस पे। आज का टॉपिक है सीएसएफ। सीएसएफ का फुल फॉर्म सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे ब्रेन स्पाइनल कार्ड में सर्कुलेट करता है। इसका वर्क जो था फ्रिक्शन और न्यूट्रिशन और गंदगी को बाहर निकालता है। सीएसएफ जो है हमारा क्लोराइड फ्लेक्सर रेडिश में बनता है। इसकी वैल्यू जो होती है 150 ml होती है। इसका प्रेशर जो होता है, अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो 13 cm, अगर पेशेंट बैठ गया है तो 30 cm हो जाती है। ऐसा नहीं है, प्रेशर कभी कभी बढ़ भी जाता है। अगर पेशेंट की छींक आ गई या खांसी कर दिया या जुगलर वेन पे प्रेशर डाल दिया है तो इसका प्रेशर बढ़ जाता है। सीएसएफ ऐसा नहीं है कि सीएसएफ नुकसान नहीं करता, सीएसएफ नुकसान भी कर देता है। अगर जो ब्रेन में सीएसएफ की मात्रा बढ़ गई है तो ब्रेन का साइज बड़ा हो जाता है, जिसे हम हाइड्रोसिफलस कहते हैं। हाइड्रोसिफलस में कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं, पेशेंट को झटके आने लगते हैं, पेशेंट को वॉमिटिंग होने लगती है, ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं। इस टेस्ट को कराने के लिए हम सीएसएफ निकालकर सीएसएफ टेस्ट कराते हैं। प्रोसीजर कैसे करते हैं, पेशेंट को प्राइवेट वार्ड तथा जनरल वार्ड में हम सीएसएफ नहीं निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया तथा वायरस होते हैं। इसीलिए हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को लाते हैं। पेशेंट को हम लिटरल रिकम्बेंट पोजिशन में लिटाते हैं और हम कुछ सामग्री होती है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। सर्जिकल ट्रॉली पे सर्जिकल ग्लव्स रख लेते हैं, डिस्को रख लेते हैं और पेशेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर के अकॉर्डिंग नीडल ले लेते हैं और कुछ गॉस्पिट डायनोप्लास्ट वगैरह रख लेते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को डिटल रिकमेंड पोजिशन में लिटाते हैं। इसमें इसके लंबर में हम थर्ड तथा फोर्थ वर्टिकल में हम नीडल को पंच करते हैं, जिससे हम 6 से 7 ml सीएसएफ को ड्रेन कर लेते हैं। अगर जो सीएसएफ रेडिश होता है तो वो कहीं ना कहीं ट्रामा की वजह से रेडिश हुआ है। उसके बाद सीएसएफ को निकाल कर हम गोष्ठी से दाना प्लस लगा देते हैं और पेशेंट को हम कम से कम 8 घंटे सीधे सीधे पोजीशन में टायर रखते हैं। सीएसएफ कंपोजिशन, सीएसएफ में हमारा क्या क्या होता है। सीएसएफ में हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन 15 से 45 होती है और ग्लूकोज 45 से 80 होता है। पोटेशियम 147 होता है, क्लोराइड 120 से 130 होता है, क्रिएटिन हमारा 1.5 होता है और यूरिक एसिड 18 होती है। सीएसएफ बाइंडिंग ट्रामा, अगर सीएसएफ जो होता है मेरा, अगर जो हम सीएसएफ निकाल रहे हैं और सीएसएफ में कहीं ना कहीं से ब्लड आ रहा है तो हमारे नीडल में ब्लड आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे स्पाइन में ट्रामा है। सीएसएफ निकालते समय कंटिन्यू ब्लड आ रहा है, पूरी नीडल और वॉयल भर गई है तो ब्रेन हेमरेज है, उस हेमरेज को हम सब ऑर्गेनाइज हेमरेज कहेंगे। थिक विस्कस, अगर जो ब्लड सीएसएफ जो होता है हमारा, अगर जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, अगर सीएसएफ हमारा गाढ़ा हुआ तो मेटजेंटी को प्रेजेंट करता है। क्लॉट फॉर्मेशन, अगर जो सीएसएफ हमारा क्लॉट हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्लॉट हो गया निकालने के बाद, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में टीबी प्रेजेंट करेगा। सेल इंक्रीज, अगर जो सीएसएफ में हमारे सेल बढ़ रहे हैं तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस मेटजेंटी को प्रेजेंट करेगा। अगर सीएसएफ में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया और ट्रामा को प्रेजेंट करेगा। अगर जो ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो हाइपोग्लाइसीमिया और ट्यूमर को प्रेजेंट करेगा, मेनिंजाइटिस ट्यूमर को प्रेजेंट करेगा। इसी के बीच अगर जो प्रोटीन सीएसएफ में, अगर प्रोटीन ज्यादा बढ़ रही है तो सीएनएस में इन्फेक्शन हो रहा है। इसी के बाद उसकी फाइंडिंग करके हम उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, जिससे मरीज की सीवियर डायग्नोस करके मरीज को क्योर करते हैं।